गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और कल के लेक्चर के अगेंस्ट में आप लोगों ने प्रैक्टिस की थी क्वेश्चंस जो दिए थे? ग्रेट, गुड। उसके सारे क्वेश्चंस कर जाना सो दैट अगर कोई डाउट होगा तो उसको डिस्कस भी कर लेंगे ना कल परसों के डाउट सेशन में। तो आज की क्लास में जैसा कि मैंने बोला था कि ट्रिगोनोमेट्री हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों ने जो लास्ट टू लास्ट लेक्चर, कल नहीं, डे बिफोर एस्टरडे जो लेक्चर हुआ था उस पे वी वर प्रैक्टिसिंग ऑन प्रॉब्लम्स ऑन सीडी फार्मूला एंड मल्टीपल एंगल एंड सब मल्टीपल एंगल फार्मूला, कंपाउंड एंगल फार्मूला एट्सेट्रा, राइट। तो आई होप जो मैंने एक्सरसाइजेस दी थी उसको तो आप कर ही रहे होंगे। तो अब मिसलेनियस कुछ एक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं उनको फटाफट सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप हेडिंग देंगे दी एक्सप्रेशन कंटेनिंग कोसाइन ऑफ कंटेनिंग कोसाइन ऑफ एंगल्स एज फैक्टर्स वेयर एंगल्स आर इन जीपी, वेयर एंगल्स आर इन जीपी, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया था मैंने, बट इसको थोड़ा सा फॉर्मली वर्कआउट करके और इस पर सम्स कर लेते हैं कुछ, और फिर कुछ कंडीशनल आइडेंटिटीज करते हैं, फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन सिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम किस तरह के एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बात हो रही है एक एक्सप्रेशन की विच इज़ ऑफ द टाइप, मान लो एक्सप्रेशन को मैं वाई बोलता हूँ, तो दिस वाई इज ऑफ द टाइप कोसाइन ऑफ थीटा बाय 2 raised to the power n इंटू कोसाइन ऑफ थीटा बाई 2 raised to the power n-1 इंटू कोसाइन ऑफ थीटा बाई 2 raised to the power n-2 एंड सो ऑन। अब आप देखो जरा एंगल्स को, इसमें अगर आप 2 मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई करते हो ये आ जाएगा एंड सो ऑन। कोसाइन ऑफ थीटा बाई 2³ कोसाइन ऑफ थीटा बाई 2² इंटू कोसाइन ऑफ थीटा बाई 2। तो दिस इज द एक्सप्रेशन। एम आई ऑडिबल? सबको ऑडियो एंड वीडियो बिल्कुल क्लियर है, परफेक्टली बात समझ में आ रही? ओके ओके। तो ऐसे एक्सप्रेशन में को अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई सच एक्सप्रेशन व्हाट वी आर सपोज टू डू, तो देखो सबसे छोटा एंगल क्या है, विच इज द लीस्ट एंगल, दीज आर द एंगल्स एंड दीज एंगल्स आर इन जीपी, दैट ऑल इज वेरी क्लियर। थीटा बाई 2 का डबल हाफ ये है, इसका हाफ ये है, इसका हाफ ये है, और ऐसे हाफ होता गया और लेफ्ट से राइट जाओगे तो डबल हो रहे हैं एंगल्स, तो एंगल्स आर इन जीपी, राइट, एंगल्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ऐसे केस में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ऐसे लिखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 raised to the power n टाइम्स साइन ऑफ लीस्ट एंगल, साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल इज थीटा बाय 2 raised to the power n। आई रिपीट, सबसे पहले काउंट करो कि कितने फैक्टर्स हैं। दिस इज फर्स्ट फैक्टर, दिस इज सेकंड फैक्टर, दिस इज थर्ड फैक्टर,
एन ऐसे ये एनथ फैक्टर है। कैसे? ये टू की पावर देखोगे तो समझ में आएगा। टू की पावर यहाँ क्या, वन टू थ्री फोर और लास्ट में एन, तो वन से लेके एन तक मतलब एन फैक्टर्स हैं टोटल। सबसे छोटा एंगल क्या है, थीटा बाई टू रेस टू द पावर एन, इसका साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। तो मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, और फिर जितने फैक्टर हैं है ना, तो पहले मैंने यहां लिखा साइन ऑफ थीटा बाई टू रेस टू द पावर एन, मल्टीप्लाई कर दिया। और बिकॉज मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, इसलिए हम पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड भी करेंगे, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उससे डिवाइड करेंगे, सो दैट द एक्सप्रेशंस वैल्यू डजंट चेंज। तो हमने डिवाइड भी कर दिया, किससे डिवाइड किया, साइन ऑफ थीटा बाई टू की पावर एन। और इसके साथ साथ जितने फैक्टर थे टू की उतनी पावर, तो टू टू द पावर एन से भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, मतलब वर्चुअली हमने कुछ नहीं किया, एक्सप्रेशन जैसा था वैसे लिख रहे हैं, बट हुआ क्या देखो ध्यान से। अब न्यूमरेटर में ये टू टू द पावर एन में से एक टू ले लो, टू इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, टू साइन अल्फा कॉस अल्फा का फार्मूला बनेगा। टू साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या होता है बोलो, तो यहाँ पर टू की पावर एन माइनस वन इंटू टू लिख दो, और ये टू साइन अल्फा कॉस अल्फा को लिखो साइन डबल अल्फा, है ना, टू साइन ए कॉस ए साइन टू ए, तो इस एंगल का डबल, इस एंगल का डबल ये वाला एंगल बन जाएगा ना। तो यहाँ पर अगले स्टेप में ऐसा आ जाएगा, देखो टू रेस टू द पावर एन माइनस टू इंटू टू, और इसके लिए तो हमने लिख दिया, इसके जगह पर आ जाएगा साइन ऑफ इस एंगल का डबल मतलब थीटा बाई टू की पावर एन माइनस वन, और ये जिस एंगल का ये साइन बना उसी एंगल का आगे कोसाइन पड़ा हुआ, तो एक टू इधर से और लेकर के टू टाइम्स साइन ऑफ थीटा बाई टू की पावर एन माइनस वन इंटू कोसाइन ऑफ थीटा बाई टू की पावर एन माइनस वन, ये वाला भी कंज्यूम कर लिया। और फिर से वही बन गया, देखो टू साइन थीटा कॉस थीटा, आगे क्या है कोसाइन ऑफ थीटा बाई टू की पावर एन माइनस टू एंड कोसाइन ऑफ थीटा बाई टू की पावर एन माइनस थ्री, ऐसे एंगल इंक्रीज करते हुए कॉस थीटा बाई फोर इंटू कॉस थीटा बाई टू एंड डिवाइड बाई, ये तो है ही आपका टू की पावर एन साइन ऑफ थीटा बाई टू। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अगेन सेम फार्मूला, टू साइन ए कॉस ए साइन टू ए, तो ये क्या बन जाएगा बोलो, ये जो एक्सप्रेशन है ये मल्टीप्लाई होकर के क्या बनेगा, तो बनेगा साइन ऑफ इसका इस एंगल का डबल, तो थीटा बाई टू की पावर एन माइनस टू, टू से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब नीचे जाके टू पावर में डिवाइड हो जाएगा, तो पावर में सब्ट्रैक्ट होगा, एन माइनस वन माइनस वन। अब ये और ये दोनों फिर से क्लब होंगे, एक टू इधर से और लेकर के, तो फिर से क्या आ जाएगा, टू की पावर एन माइनस थ्री इंटू टू साइन थीटा बाई टू की पावर एन माइनस टू कॉस थीटा बाई टू की पावर एन माइनस टू इंटू कॉस थीटा बाई टू की पावर एन माइनस थ्री एंड सो ऑन, एंड डिनोमिनेटर में वही है। अब ये दो स्टेप आपने करने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये प्रोसीजर फिर से ये कंबाइन करके फिर वही बनाएगा साइन ऑफ अगले एंगल का साइन थीटा बाई टू की पावर एन माइनस थ्री एंड फिर से एक टू यहां से लेकर के, और यही प्रोसेस कंटिन्यू करती रहेगी। कब तक कंटिन्यू करेगी, तो आप लिखेंगे प्रोसीडिंग सिमिलरली, कितनी बार, एन टाइम्स। तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, मिलेगा ये सारे टू कंज्यूम हो जाएंगे, लास्ट वाला मैं करके दिखा रहा, टू इंटू साइन ऑफ थीटा बाई टू इंटू कोसाइन ऑफ लास्ट वाला ये वाला थीटा बाई टू अपॉन टू रेज टू द पावर एन साइन ऑफ थीटा बाई टू की पावर एन। अब टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू क्या हो जाएगा बोलो, साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन टू रेज टू द पावर एन इंटू साइन ऑफ थीटा बाई टू की पावर एन। ये आया वाई का एक्सप्रेशन का वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, इज दैट क्लियर। अब यहीं पर एक नोट लिख दो, फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं, है ना, एक नोट लिखो, नोट, नोट क्या है जी, इफ
ये जो लास्ट एंगल था ना, ये थीटा बाई टू, इसी का डबल है ये, देखो थीटा बाई टू का ट्वाइस है ये, ट्वाइस ऑफ थीटा बाई टू इज दिस। तो सबसे बड़ा एंगल था ये स्मॉलेस्ट एंगल था, दिस वॉज स्मॉलेस्ट एंगल एंड दिस वॉज लार्जेस्ट एंगल। लार्जेस्ट एंगल का डबल, तो इफ टू टाइम्स लार्जेस्ट एंगल थीटा मैक्स, प्लस थीटा लीस्ट इज इक्वल टू पाई। अगर ऐसा हो जाए कि जो सबसे बड़ा एंगल है उसका डबल में सबसे छोटे एंगल को ऐड करके अगर पाई आ जाए, तो उस केस में होगा क्या, थीटा लीस्ट जो होगा, थीटा मिनिमम, उसको हम लिखेंगे पाई माइनस थीटा, क्योंकि थीटा बाई टू का डबल क्या है, थीटा। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा थीटा मिनिमम मतलब थीटा बाई टू की पावर एन। तो यहां से आ जाएगा साइन ऑफ थीटा बाई टू की पावर एन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, दैट इज साइन थीटा। तो ये क्वांटिटी हो इसके इक्वल हो जाएगी, तो उस केस में फिर क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा साइन थीटा अपॉन टू की पावर एन साइन थीटा बन जाएगा, और ये साइन थीटा कैंसिल होकर के ऐसे केस में आंसर आएगा वन बाई टू की पावर एन। तो ये कहानी है कि जहां कहीं भी ऐसा एक्सप्रेशन मिले और उसको बोलेंगे द वैल्यू ऑफ दिस इज, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, जो सबसे छोटा एंगल है उसमें सबसे बड़े एंगल का डबल ऐड कर दो, और अगर उन दोनों का सम पाई आ जाए, मतलब सबसे छोटा एंगल एंड डबल ऑफ द लार्जेस्ट एंगल, अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, तो आंसर आएगा वन डिवाइडेड बाई टू टू द पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स, वन डिवाइडेड बाई टू टू द पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स। कुछ बात समझ में आ रही है? बोलो। जैसे एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको, फॉर एग्जांपल कॉस पाई बाय सेवन इंटू कॉस टू पाई बाय सेवन इंटू कॉस थ्री पाई बाय सेवन नो फोर पाई बाय सेवन ठीक है। सबसे बड़े एंगल का डबल क्या होगा, सबसे बड़े एंगल का डबल क्या होगा, एट पाई बाय सेवन राइट। और व्हाट इज कॉस एट पाई बाय सेवन, कॉस एट पाई बाय सेवन इज नथिंग बट कॉस ऑफ पाई प्लस पाई बाय सेवन, दैट इज माइनस कॉस पाई बाय सेवन, सॉरी साइन एट पाई बाय सेवन, साइन कॉस नहीं साइन करेंगे तो नेगेटिव, तो आंसर इसका आ जाएगा वन माइनस वन बाई एट। देखो मैं करके दिखा रहा हूं, इसको इवेल्युएट करने के लिए बोला गया, तो क्या प्रोसीजर बताया गया बताओ, प्रोसीजर बताया गया सबसे छोटा एंगल क्या है, पाई बाई सेवन, कितने फैक्टर हैं, थ्री, तो आप इसको करेंगे इट इज इक्वल टू टू क्यूब इंटू साइन ऑफ द लीस्ट एंगल, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया, यहां पर लिख दिया टू क्यूब इंटू साइन पाई बाई सेवन। अब न्यूमरेटर को ध्यान से देखो, न्यूमरेटर आ गया तुम्हारा फोर इंटू टू साइन पाई बाई सेवन, एक कॉस पाई बाय सेवन भी यहाँ आएगा बेटा, साइन पाई बाय सेवन इंटू कॉस पाई बाय सेवन इंटू कॉस टू पाई बाय सेवन इंटू कॉस फोर पाई बाय सेवन राइट। कैरी ऑन कैरी ऑन, तो यहाँ एट साइन पाई बाय सेवन ऐसे रहने दो। अब क्या हुआ, टू साइन थीटा कॉस थीटा करो पूरा, तो आ जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या बनेगा, साइन टू पाई बाय सेवन, ये साइन टू पाई बाय सेवन जाएगा किसके पास, कॉस टू पाई बाय सेवन के पास, फिर से यहां से एक टू उठाएगा, तो अगला स्टेप पे क्या आएगा, अगला स्टेप पे क्या आएगा जल्दी बोलो, फोर का एक टू अंदर दे दो, टू इंटू साइन टू पाई बाय सेवन इंटू कॉस टू पाई बाय सेवन इंटू कॉस फोर पाई बाय सेवन,
डिवाइडेड बाय 8 साइन पाई बाय 7। फिर अगला स्टेप में क्या हुआ बेटा, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा हो गया, तो आ गया 2 साइन क्या, इस एंगल का डबल मतलब 4 पाई बाय 7 इंटू कॉस 4 पाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 8 साइन पाई बाय 7। अब न्यूमरेटर फिर से 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो गया, साइन 8 पाई बाय 7, साइन 8 पाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 8 साइन पाई बाय 7। अब साइन 8 पाई बाय 7 को क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 1 पाई है, इनका डिफरेंस क्या है पाई, तो ठीक है माइनस आ जाएगा, तो इसको लिख दो पाई प्लस पाई बाय 7। साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, हेलो साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट सप्लीमेंट्री एंगल माइनस साइन पाई बाय 7, माइनस साइन पाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स साइन पाई बाय 7। अब ये साइन पाई बाय 7 ये साइन पाई बाय 7 कैंसिल, आंसर क्या है माइनस 1 बाई 8। तो ये जो एक्सप्रेशन है हमने फाइनली इवेल्युएट कर लिया कि एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है नेगेटिव 1 बाई 8। ठीक है जी, इज दैट क्लियर, समझ में आ गया सबको प्रोसीजर, जनरल फॉर्म में अगर नहीं समझ में आते एग्जाम्पल देख करके क्लियर हो गया होगा, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो फटाफट क्विक। आप माइक पर भी आंसर कर सकते हो बेटा, वंश को क्लियर है, सत्य क्लियर है, ओके ओके, सानिया को भी क्लियर है, ठीक है बेटा, 2-3 सम करो तो और क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। तो शुड वी गो टू द क्वेश्चंस, यस सर। ठीक है जी, तो अब ये क्वेश्चन आप फटाफट ट्राई करिए, पहला और दूसरा ये तीनों पार्ट करिए, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड का ए पार्ट एज वेल एज बी पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन तो आप मेरे साथ साथ ही करिए, क्वेश्चन नंबर 1 को सारे बच्चे मेरे साथ साथ करेंगे, जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें सबसे छोटा एंगल क्या है, थीटा, थीटा, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रेज टू द पावर n साइन थीटा कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 2 स्क्वायर थीटा एंड प्रोसीडिंग सिमिलरली कॉस 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 थीटा and divided by 2 raised to the power n sin theta। अब एक 2 इस ये n number of 2 factor में है, 2 into 2 into 2 n times, एक एक 2 ये लेता जाएगा और 2 sin theta cos theta apply होता जाएगा, तो अगले step में आ जाएगा 2 raised to the power n minus 1 into sin 2 theta into cos 2 theta into cos 2 square मतलब 4 theta into cos 8 theta and proceeding cos 2 raised to the power n minus 1 theta upon 2 raised to the power n sin theta। फिर से एक 2 consume करेगा, 2 sin 2 theta cos 2 theta sin 4 theta बनेगा, and इसी तरह से ये multiple angle formula continuously apply होता रहेगा, कितनी बार apply होगा, proceeding n times, n times proceed करेंगे, तो last वाला जो आपका एप्लीकेशनों का बनेगा 2 टाइम्स साइन ऑफ लास्ट एंगल 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा इनटू कोसाइन ऑफ 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर n साइन थीटा। अब फिर से 2 साइन ए कॉस ए करके एट द एंड आपको क्या मिलेगा, इस एंगल का डबल मतलब साइन ऑफ, इस एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा बेटा, 2 रेज टू द पावर n थीटा अपॉन 2 रेज टू द पावर n इंटू साइन थीटा। अब यहां तक आ गए हम, बट यहां एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ो, व्हाट डज दिस मीन,
दिस इंफॉर्मेशन मीन्स दैट 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय थीटा इक्वल टू पाई. दिस इंप्लाइज 2 रेज टू द पावर n टाइम्स थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई. दिस इंप्लाइज 2 रेज टू द पावर n टाइम्स थीटा इज पाई माइनस थीटा. एंड देयरफॉर साइन ऑफ दिस एंगल, व्हिच एंगल, 2 रेज टू द पावर n थीटा is nothing but sine of pi minus theta. What is sine of pi minus theta? Sine pi minus theta is sine theta. So, ye aapka answer aa gaya, numerator aa gaya sine theta upon denominator mein aa gaya 2 to the power n into sine theta. So, ye dekho sine theta cancel ho kar ke answer aa gaya 1 by 2 raised to the power n. मतलब ऐसी अगर सीरीज है जिसमें एंगल्स जीपी में है, सीरीज नहीं एक एक्सप्रेशन है जिसमें प्रोडक्ट ऑफ कोसाइंस है, एंगल्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है और सबसे छोटे एंगल स्मॉलेस्ट एंगल प्लस डबल ऑफ द लार्जेस्ट एंगल का सम अगर पाई है, मतलब अगर ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो आंसर हमेशा 1/2 to the power नंबर ऑफ फैक्टर आएगा या उसका नेगेटिव आएगा. वो डिपेंड करता है कि अगर सबसे छोटा एंगल, मतलब अगर थीटा प्लस डबल ऑफ थीटा मैक्स, ये थीटा मिनिमम बोलो, थीटा मिनिमम डबल ऑफ थीटा मैक्स अगर ये पाई है तो आंसर होगा एक्सप्रेशन का 1/2 to the power n. बट अगर ऐसा हो जाए कि डबल ऑफ मैक्स थीटा, थीटा मैक्स का डबल और माइनस थीटा मिनिमम अगर पाई है तो उस केस में आंसर आएगा नेगेटिव ऑफ 1/2 raised to the power n. तो जहां कहीं भी कोसाइन ऑफ एंगल्स इन जीपी हो, फैक्टर्स कंटेनिंग कोसाइन ऑफ एंगल्स इन जीपी हो और ऑप्शन में अगर आंसर 1/64, 1/32, 1/212 ऐसा कुछ आ रहा है, 256, 512, इसका मतलब है कि वो यही वाला कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं से लग रहा होगा. तो उस पर भी ध्यान रखना है इंट्यूटिवली. So this was the first question. Hopefully it is well clear. Yes, sir. अब अगर clear है बेटा तो second का ये और B part फटाक से जल्दी से करके बताओ. Question number 2 का part A and part B. तो हमने क्या देखा, सबसे लीस्ट एंगल है 2π/15. अच्छा, 2 की पावर 4 तो ऑलरेडी है तो हमें LHS से अगर स्टार्ट करें तो हमें सिर्फ क्या करना है, साइन ऑफ लीस्ट एंगल से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना बस. यस, and then you have to just look at the outcome. करते जाओ, क्या आएगा, 2 sin theta cos theta तो आ जाएगा तुम्हारा 8, मतलब 4 into 2 into sin 4π/16 15 into cos 4π/15 into cos 8π/15 into cos 14π/15 by sin 2π/15. फिर से ये 2 sin theta cos theta तो आ गया तुम्हारा 2 into, इसको sin 8π/15 लिख के 2 एक दे देना, 2 sin 8π/15 and cos 8π/15 into cos 14π/15 divided by sin 2π/15. फिर से अगला स्टेप में क्या है, 2 sin 16π/15 cos 14π/15
बाई साइन 2π/15। अब देखो यहां पर ये कॉस 32 नहीं है, तो 16π/15 तो cos, इसको cos 4π/15, 14π/15 को लिख दो, 2π माइनस कितना 16π हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा फिर से 2 sin, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा cos 16π/15। तो cos 16π/15 और cos 14π/15 दोनों सेम होते हैं, तब 2 sin a cos a फिर से आ गया, तो लास्ट स्टेप में आ जाएगा sin of, बोलो, 32π/15 मतलब 2π + 2π/15 divided by sine of 2π/15। अब आप जानते ही हो कि sin 2π + थीटा is sin थीटा, तो ये sin 2π/15 divided by sin 2π/15, तो your answer is 1। कहने का मतलब है कि अगर सिर्फ इतने एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछते तो आंसर आता 1/16, आना भी चाहिए क्योंकि 16 1/2 की पावर नंबर ऑफ फैक्टर। तो ये डायरेक्टली वर्बली मेंटली भी आप कर सकते हैं, ए पार्ट हो गया बी पार्ट। तो अब तो ऐसे डायरेक्ट भी बोल सकते हो ना, क्यों इतना फॉर्मेलिटी में जाएंगे, सब एंगल जीपी में है, डबल 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 है ना, और सबसे मैक्स एंगल क्या है, मैक्स एंगल का डबल करो, मैक्स एंगल का डबल है 64π/65, और सबसे छोटा एंगल इसमें ऐड करो तो पाई आ रहा है कि नहीं, यस सर। इसका मतलब है कि उसी प्रोसेस से हमारा आंसर आएगा 1/2 raised to the power नंबर ऑफ फैक्टर, फैक्टर कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो आंसर आएगा 1/2 की पावर 5, नहीं 6 फैक्टर है, 6 सॉरी 2 की पावर 6, दैट इज 1/64। तो वही है साइन π/65, 64 टाइम्स साइन π/65 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। तो ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल पक्का हो गया, समझ में आ गया सबको, अरे बोल दो। यस सर। ओके जी, सॉरी। चलो ये दोनों क्वेश्चन तो हम लोग परहैप्स क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा कर चुके हैं ना, इसको तो छोड़ देते हैं, इसको कई बार इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं, ये क्वेश्चन करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 ए एंड बी एंड क्वेश्चन नंबर 6। फिफ्थ ए में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंगल्स में कुछ खास बात? सर साइन 4π/5π/8 को π - 3π/8 लिख देंगे, और ऐसे 7π/8 को π - π/8। तो फर्स्ट और लास्ट सप्लीमेंट्री है, और सेकंड लास्ट एंगल भी सप्लीमेंट्री है ना, क्योंकि इन दोनों का सम पाई है और लास्ट और फर्स्ट का सम पाई है, एंगल्स की बात कर रहा हूं मैं। इसका मतलब है कि सबसे पहले अगर मैं फिफ्थ ए में डिस्कस करूं, फिफ्थ ए तो हमारा LHS जो होगा वो होगा 2 times sin to the power 4 π/8 + sin to the power 4 3π/8,
Agreed or not? Yes, sir. Because sin of 7 pi by 8 को लिख सकते हैं sin pi minus pi by 8, that is sin pi by 8. और इसी तरह से sin 3 pi by 8 को लिख सकते हैं sin 5 pi by 8. Are you getting my point? Sin of 5 pi by 8 can be written as sin of pi minus 3 pi by 8. तो ये हो जाएगा sin pi by 8. तो ये वाला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो डबल ऑफ दिस हो गया. अब इसके बाद फिर से एंगल में क्या रिलेशन है? ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो क्या कर दें? पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 8 लिख दें. इसको साइन 4 पाई बाय 8 रहने दो और इसको लिख दो साइन पाई बाय 2 माइनस 4 पाई बाय 8 माइनस पाई बाय 8 साइन पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 का पावर 4. साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा. अब तुम्हारे पास आ गया ये साइन 4 पाई बाय 8 प्लस कॉस 4 पाई बाय 8. अब क्या करें? अब तुम्हें ये पता है कि साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 तो 1 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कंप्लीट कर दें. यस सर. 2 टाइम्स स्क्वायर कंप्लीट करो तो आएगा क्या? साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 का होल स्क्वायर. इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर ये आ जाएगा प्लस 2, तो उसको सब्ट्रैक्ट माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर पाई बाय 8 कॉस स्क्वायर पाई बाय 8, यही आएगा. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab. हमने क्या यूज किया? हमने यूज किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab से यहां पर ये लाए. अब ये 1 हो गया, तो 2 टाइम्स 1 माइनस ये है 1 बाई 2 टाइम्स, या छोड़ो 2 मल्टीप्लाई कर दो यार, सीधे 2 मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 2 माइनस 4 टाइम्स साइन स्क्वायर पाई बाय 8 कॉस स्क्वायर पाई बाय 8. अब क्या दिख रहा है? ये 2 साइन पाई बाय 8 कॉस पाई बाय 8 का होल स्क्वायर होगा साइन 2 थीटा. 2 साइन पाई बाय 8 को साइन पाई बाय 8 का स्क्वायर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अब 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है? 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है? साइन 2a. साइन 2a. साइन 2a. इस एंगल का डबल क्या हो जाएगा? पाई बाय 8 का डबल पाई बाय 4. पाई बाय 4. साइन पाई बाय 4 की वैल्यू पता है आपको? साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2. 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर मतलब हाफ. 2 माइनस हाफ क्या होता है? 3 बाय 2. दैट इज आर एच एस. तो ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हुआ. एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ हो गया. फिफ्थ हो गया ए. फिफ्थ का बी करो. तो आपने देखा कि ये इसमें क्या था? इसमें 2-3 बातें यूज हुई. कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज हुआ. फिर साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी भी यूज हुई. फिर अल्जेब्रिक आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूज हुआ. फिर से मल्टीपल एंगल का फार्मूला भी यूज हुआ. तो कई सारी बातें, मतलब एक ऐसे ऐसे सवाल अगर आप करते हैं तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की लगभग कंबाइंड प्रैक्टिस होती है सारे रिजल्ट्स की. बी पार्ट करिए और सिक्स का आंसर करिए. दोनों पार्ट के लिए आपके पास 2 मिनट टाइम है. 3 मिनट से ज़्यादा तो कतई नहीं लेना आपको. जल्दी से 3 मिनट में आप दोनों पार्ट कंप्लीट करके बताइए. फिफ्थ बी किसका हुआ बेटा? होगा सर. गुड. क्या किया बताओ? सर ऐसे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया फिफ्थ बी को है. तो yeah. आपका बी पार्ट में आपने बोला एलएचएस में 2 से मल्टीप्लाई 2 साइन पाई बाय 10 करेक्ट और साइन 13 पाई बाय 10 था. फिर क्या किया? 2 से डिवाइड करा सर सेम एक्सप्रेशन रेजिस्टेंस. ठीक है, वो तो करना ही पड़ेगा एक्सप्रेशन सर. फिर
टू साइन ए साइन बी सर इसे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी में कर लिया ठीक है ठीक है। सर। फिर उधर से वो अलाइड सप्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट लग रहा था। फिर ओके तो इसको इन्होंने टू साइन ए साइन बी का कॉन्सेप्ट लगाया, टू साइन ए साइन बी प्रोडक्ट को सम में ब्रेक किया, तो ये बन जाएगा तुम्हारा कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो विद दैट इट बिकम्स 1/2 टाइम्स कॉस ए माइनस बी करें या बी माइनस ए, एक ही बात होती है। तो कॉस ऑफ बड़े में से छोटे वाले को करो तो 12π/10 आएगा, यस 12π/10 माइनस कॉस ए प्लस बी करेंगे तो कॉस 14π/10 आ जाएगा। फिर क्या किया, सर, इनकी फ्रैक्शन रिड्यूस कर दी, 6π/5 एंड 7π/5 हो गए। ठीक है तो ये आ गया तुम्हारा 6π/5 और ये हो गया तुम्हारा 7π/5, वेरी करेक्ट। फिर क्या किया। सर 6π/5 को पाई प्लस 5/5 लिख दिया उधर सर, एंड ऐसे 7π/5 को पाई प्लस 2π/5 लिख दिया। लिख दिया जी, तो पाई प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1/2, आ जाएगा पाई माइनस कॉस, माइनस कॉस 5/5 और ये प्लस प्लस कॉस टू कॉस पाई टू बाय पाई बाय फाइव। चलो फिर क्या किया। सर फिर कॉस 36 कॉस 72 वाले एंगल्स में आ गए, दस इनके वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं। मतलब 1/2 टाइम्स क्या लिख दिया, कॉस ये हो गया तुम्हारा कॉस 72 टू माइनस कॉस 36। यस फिर सर, इनके वैल्यू सर, इनके वैल्यू सर, अच्छा इनकी वैल्यू याद थी तुम्हें। कॉस 36 ही आती है, कॉस 2 थीटा से निकाल दे इसकी। अरे रे 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 रे, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, कर सकते हैं अगर आपको बिना ये वैल्यूज हाँ निकालने भी तो हो जाएगा, बिना बेटे वैल्यूज निकालने भी हो जाएगा वैसे ना। डेफिनेटली हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, जब दोनों वैल्यू निकालेंगे तो होना ही है, हो ही गया। लेकिन विदाउट वैल्यू भी हो जाएगा, क्या विदाउट वैल्यू हो गया था। हाँ विदाउट वैल्यू हो जाएगा, वही बात हो रही है, विदाउट वैल्यू ही करना है क्योंकि वैल्यूज तो याद रहे नहीं रहे क्या गारंटी है ना। तो विदाउट वैल्यू करने के लिए क्या करना चाहिए, तो देखो पहली बात यहाँ 1/4 दिख रहा है और दूसरा यहाँ प्रोडक्ट दिख रहा है, तो एक बार हम ट्राई कर सकते हैं इसको कॉस में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम इसको लिखे 1/2, ये कॉस मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई टेन को 5π/cos 4π/10 लिख सकते हैं ना, कोसाइन 4π/10, क्योंकि 4π/10 प्लस पाई बाई टेन इज पाई बाई टू, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बोलो। सो माइनस कॉस पाई बाय फाइव, पहली बात तो साइन, इसको अगर ऐसे लिखना चाहो तो माइनस साइन, साइन पाई बाय टेन। हाँ तो आप इसको माइनस कॉस, हाँ मतलब पाई बाय फाइव या 8π/, एक्चुअली ये 5π/10 इसको लिख दो तुम, साइन ऑफ 5π/10 एंड प्लस 8π/10, 5π/10 प्लस 8π/10 लिखेंगे ना, 8π/13 होता है। तो साइन पाई बाय टू प्लस थीटा इज साइन पाई बाय टू प्लस थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस 8π/10 लिख सकते हैं इसको, और फिर उसको माइनस कॉस 2π/10 लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। यस सर, अब इसके बाद में क्या हुआ, एंगल्स जीपी में आ गए कि नहीं। यस सर, अभी हो गया तुम्हारा माइनस, इनफैक्ट ये 2 और 1/2 लिखने का भी जरूरत नहीं है, दिस वाज अभी अभी मेरे को इस सब की कोई जरूरत नहीं है। तो यह आ गया माइनस कोसाइन ऑफ 2π/10 इंटू कोसाइन ऑफ 4π/10, चाहो इसको तो पाई बाई फाइव एंड 2π/5 भी लिख सकते हो, दैट ऑल्सो वर्क्स, इसको पाई बाई फाइव इसको 2π/5 लिख दो। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टू स्क्वायर साइन पाई बाय फाइव, टू साइन पाई बाय फाइव से, मतलब टू स्क्वायर साइन पाई बाय फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे और फोर साइन पाई बाय फाइव से डिवाइड भी करेंगे और माइनस साइन रहेगा एक, राइट, ऐसा। और फिर वही बात है, ये दोनों मिल करके साइन टू पाई बाय फाइव, फिर साइन फोर, तो फाइनली आ जाएगा तुम्हारा नेगेटिव साइन ऑफ फोर पाई बाय फाइव डिवाइडेड बाय फोर टाइम्स साइन पाई बाय फाइव, और फिर इसको लिखेंगे माइनस साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय फाइव अपॉन फोर साइन पाई बाय फाइव, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर आएगा माइनस वन बाई फोर। सो देर वॉज नो नीड ऑफ कन्वर्टिंग इन टू साइन 18 एंड साइन 70, कॉस 18 एंड कॉस 72, या कॉस 36 कॉस 72 में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं था, ऐसा स्ट्रेट अवे आ जाएगा आंसर। अब एक बात याद रखो, जहाँ कहीं भी 1 अपॉन 2 की पावर n टाइप की सिचुएशन दिखे तो एक बार जरूर सोचो कि अगर कोसाइन के फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दो एंगल्स जीपी वाली प्रॉपर्टी से कर सको तो मोस्टली वो कन्वर्ट हो जाता है उसमें, ठीक है। छठा क्वेश्चन हो गया? यस सर। सो हाफ आरिया वैल्यू, हाँ, तो आपने आपका एक्सप्रेशन सिक्स में क्या था, ये था तुम्हारा साइन अल्फा साइन बीटा, बट बीटा क्या है, पाई बाय टू माइनस अल्फा है, इसी को लिख सकते हैं हम साइन ऑफ अल्फा इनटू साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा, दैट इज कॉस अल्फा, तो टू साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय टू लिख सकते हैं, तो इट इज एक्चुअली साइन टू अल्फा बाय टू। अब बोल रहे मैक्स वैल्यू, तो वाई मैक्स कब होगा, जब साइन टू अल्फा मैक्स होगा, साइन टू अल्फा की वैल्यू मैक्स क्या हो सकती है, साइन टू अल्फा की वैल्यू मैक्स क्या हो सकती है, वन, सो वन, जब टू अल्फा पाई बाय टू मीन्स अल्फा पाई बाय फोर हो जाए, तो जब अल्फा बीटा दोनों पाई बाय फोर हो जाएंगे तो हो जाएगा, तो ये वन बाई टू, ये वाई मैक्स आ जाएगा। वेल डन, ठीक है सात्विक बेटा, सही है आंसर। तो ये तो बात समझ में आ गई कि ये वाले कॉन्सेप्ट पर भी आपको हैंड्स ऑन हो गया। इसके बाद लिखेंगे कंडीशनल आइडेंटिटीज, अगली हेडिंग लिखें बेटा कंडीशनल आइडेंटिटीज। कंडीशनल आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है, अभी तक जितनी आइडेंटिटीज हमने पढ़ी दोज वेयर इन्वॉल्विंग अननोन एंगल्स, means they were the equation involving unknown angles of trigonometric function, yeah, trigonometric function of unknown angles without any condition on angles, means angles could take any value, तो universally valid थी वो, चाहे वो साइंस के theta plus cos के theta वन है, चाहे वो साइन टू theta is टू साइन theta cos theta है, उसमें theta पर कोई restriction नहीं है, जिस भी थीटा के लिए एक्सप्रेशन डिफाइंड है वो सारे थीटा के लिए वो इक्वेशंस ट्रू हैं और उनको हम यूनिवर्सल आइडेंटिटी बोलते हैं। नाउ इफ एन आइडेंटिटी इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द अननोन एंगल सब्जेक्टेड टू सम कंडीशन, यूनिवर्सली नहीं वैलिड है बट अगर एक सर्टेन कंडीशन को फॉलो करने वाले सारे एंगल्स के लिए वैलिड है तो उसको हम कंडीशनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। तो आप एक हेडिंग में लिख देंगे आइडेंटिटी इज सैटिस्फाइड बाय ऑल वैल्यूज ऑफ द एंगल्स सैटिस्फाइंग अ गिवन कंडीशन आर कॉल्ड कंडीशनल आइडेंटिटी। जैसे अगर मैं बोलूं ए प्लस बी प्लस सी पाई, तो ये कंडीशनल आइडेंटिटी है, किसके लिए वैलिड है, इफ ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, फॉर एनी ट्रायंगल इट इज अ कंडीशनल आइडेंटिटी। और इसी रिलेशन से मैं ये बोल सकता हूं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी एंड देयरफॉर साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी, तो ये भी एक आइडेंटिटी है। तो क्या ये सारे ए बी सी एंगल के लिए वैलिड है, नो, ये सिर्फ उन्हीं ए बी सी के लिए वैलिड है जिनका सम पाई है, ऐसे कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस सी इज इक्वल टू जीरो, tan a plus b plus tan c is equal to zero, या tan of a plus b by 2 into tan c by 2 equal to 1, ये जो आइडेंटिटीज हैं
ये यूनिवर्सली वैलिड नहीं है, ये एबीसी की हर वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है। ये कैसे है ये वाला? तो बिकॉज ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, अगर दोनों साइड टैन ऑपरेट करो तो टैन ए प्लस बी बाई टू क्या हो जाएगा बेटा? कॉट सी बाई टू हो जाएगा। कॉट को वन बाई टेन कर दो तो ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो दीज आर द आइडेंटिटीज विच आर वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द एंगल ए बी सी सब्जेक्टेड टू अ कंडीशन एंड दैट कंडीशन इज ए प्लस बी प्लस सी पाई। अभी कंडीशन कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं यही हो, ए प्लस बी प्लस सी टू पाई हो सकता है, ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो सकता है। तो ऐसी कंडीशंस को फॉलो करते हुए जितनी आइडेंटिटीज होती है उनको हम कंडीशनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। अब हमें क्या करना है कि कुछ बहुत ही पर्टिकुलर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो कंडीशनल आइडेंटिटीज हैं वो उनको प्रूव करना है, और उनको तो याद रखना है, छह एक आइडेंटिटी है उनको याद रखना है, और बाकी हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए वर्कआउट करेंगे। तो अब ये सब लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ये जस्ट मतलब जो मैंने बताया वही सब चीज़ें हैं। ऐसे ए प्लस बी प्लस सी पाई है तो हाफ एंगल्स का सम पाई बाई टू होगा, तो ए प्लस बी बाई टू पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, और फिर इस पर टैन कॉट साइन ऑपरेट करके अब तमाम आइडेंटिटीज डेराइव कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये सब जो मैं छोटे छोटे काम कर रहा हूँ कि ए प्लस बी बाई टू इज पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, फिर साइन ऑपरेट किया तो साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू इज कॉस सी बाई टू, कॉस बी प्लस सी बाई टू इज साइन ए बाई टू, टैन सी प्लस ए बाई टू इज कॉट बी बाई टू। तो ये रिजल्ट क्वेश्चंस करते समय आपको जगह जगह पर ऐसे रिजल्ट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्रैम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि उस कंडीशन से ही ये रिलेशंस फॉर्म होंगे और उसी कंडीशन से ही वो आइडेंटिटीज भी प्रूव होंगी, ठीक है। तो लेट्स वर्कआउट द प्रॉब्लम, वहां देखते हैं कि आप कितना वर्क उसको अप्लाई कर पाते हैं। तो सीधे क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी पाई है तो कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करो, मीन्स कॉलम ए की इंफॉर्मेशन को कॉलम बी की इंफॉर्मेशन से मैच करो कॉरेस्पॉन्डिंगली, जल्दी करो क्विक। ए प्लस बी प्लस सी पाई है बेटा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी अगर पाई है तो बी प्लस सी हमारा हो गया पाई माइनस ए, तो कॉस बी प्लस सी क्या हुआ? कॉस पाई माइनस ए इज माइनस कॉस ए, कौन से इंफॉर्मेशन से मैच हो रहा है? डी से मैच हो रहा है, ये दोनों मैच हो गए। तुमने बोला फर्स्ट का डी हो गया, सेकंड का बोलो माइनस टेन बी, टेन सी प्लस ए इज पाई माइनस बी, टेन पाई माइनस बी इज माइनस टेन बी, ये वाला हो गया। सेकंड का भी आ गया बिल्कुल सही है ई, थर्ड का बी कॉस ए प्लस बी बाई टू, तो कोसाइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू इज पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, कॉट नाइन कॉस नाइनटी माइनस थीटा इज साइन, तो साइन सी बाई टू इज बी। तो ये बी हो गया, ठीक है। आगे बोलो, फिफ्थ का ए टेन कॉट सी बाय टू, टेन ऑफ ए प्लस बी बाय टू इज इक्वल टू टेन ऑफ पाई बाय टू माइनस सी बाय टू, isn't it? Yes, sir. It is equal to cot c by 2. That can also be written as negative of tan pi by 2 plus c by 2. क्योंकि second quadrant में tan negative होता है और pi by 2 है तो complementary. Minus of minus cot c by 2 लिख सकते हैं, minus of minus cot c by 2. फिर ऐसे लिख दिया, तो ये हो गया c. क्लियर है? फोर्थ yes, का सी, ये भी हो गया जी। और कौन सा था?
अब तो पता चली गया कि ये लास्ट वाले का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A. तो दिस इज हाउ इट इज डन. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप प्रूफ करिए. क्वेश्चन क्या है, प्रूफ दैट साइन ऑफ 2a प्लस साइन ऑफ 2b प्लस साइन ऑफ 2c इज इक्वल टू 4 टाइम्स साइन a साइन b साइन c गिवन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई. ठीक है जी, इसको फटाफट प्रूफ करिए. पहले आप 2 मिनट तक ट्राई कर लो, उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको आइडिया दूंगा कि ऐसे करो, अगर ना समझ में आए तो. पहले यू गिव योर ओन ट्राई. ध्यान रखिए, लेफ्ट में सम है, राइट में प्रोडक्ट है, सम को प्रोडक्ट में ले जाना है. कोई लीड मिली बेटा, कैसे अप्रोच करना है? सीडी फार्मूला अप्लाई करा था. ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सीडी फार्मूला. लास्ट में ना एक्सप्रेशन ऐसा आया, 2 sin a plus b मल्टीप्लाई में cos a minus b plus cos a plus b. नहीं, पहला दो को अगर तुमने सीडी फार्मूला लगाया तो आपको मिला 2 टाइम्स sin ऑफ a plus b 2a plus 2b by 2 तो a plus b आ गया into cos 2a minus 2b by 2 तो a minus b आ गया. बिल्कुल सही. अब और ये sin 2c है, ये sin 2c है. अब जरा ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा, ये sin of a plus b जो होगा वही तो sin of pi minus c भी होगा. Yes sir. Yes sir. और sin pi minus c क्या होता है? Sin c. इसका मतलब है sin c, यहाँ तुम्हें sin c दिख रहा है. अगर यहाँ तुम्हें sin c दिख रहा है तो sin 2c में भी तो sin c बनाया जा सकता है, और sin c तुम्हें चाहिए भी, तो ये sin 2c को हाफ एंगल में ले जाओ. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर. इसको sin 2c को क्या लिखे हम, 2 sin c cos c. ऐसा लिखने से हमारा क्या हो गया, 2 sin c फैक्टर हमें कॉमन मिल गया. हाँ बिल्कुल सही बात, 2 sin c फैक्टर कॉमन मिल गया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और हमें चाहिए भी 2 sin c चाहिए भी. तो इसका मतलब हम लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, प्रोसीड करते रहो, आगे बढ़ो. तो हमने 2 sin c निकाल लिया कॉमन. अब 2 sin c कॉमन लेने के बाद क्या बचा, फर्स्ट टर्म में वी आर लेफ्ट विद कोसाइन ऑफ a माइनस b और सेकेंड टर्म में cos c. cos c, अच्छा cos c को हम क्या लिख सकते हैं, देखो cos c इज नथिंग cos of pi minus a plus b. अच्छा cos pi minus थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो माइनस cos a plus b हो जाएगा. तो मैंने यहां लिख दिया माइनस cos a plus b. अब हमें फिर से डिफरेंस है और हमें इसको प्रोडक्ट में ले जाना है, तो चाहे हम कंपाउंड एंगल से करें चाहे सी डी फार्मूले से करें, आपके पास दोनों ऑप्शन है इस जगह पर. आप अगर सी डी फार्मूला लगाओ तो भी हो जाएगा, और अगर आप कंपाउंड एंगल में दोनों को एक्सपांड कर दो तो भी हो जाएगा. ठीक है, आप जैसे आपको कंफर्टेबल लगे. वैसे कंपाउंड एंगल से तो वर्बली दिख रहा है cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, और ये है cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो cos वाला कैंसिल करके 2 साइन ए साइन बी आ जाएगा. यस सर. और सी डी फार्मूले से भी वही आ रहा है, देखो कैसे. मैं सी डी फार्मूला लगा देता हूँ, 2 साइन c प्लस d बाई 2 टू ए बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2 टू बी बाई 2. And therefore, your answer is 4 times sine of A into sine of B into sine of C. That is RHS. I hope it's all right. सभी को क्लियर है? Yes, sir. तो
समझ गया ना क्या करना है? जब भी सम को प्रोडक्ट में ले जाना होगा तो बाय डिफॉल्ट सीडी फॉर्मूला तो लगेगा। अब अगर चार टर्म होते चार तो हम पेयर वाइज करके दो पेयर में सीडी फॉर्मूला लगा देते, बट तीन ही टर्म है तो दो को तो सीडी फॉर्मूले से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, बट तीसरे को हमें आउटकम के कॉरेस्पॉन्डिंग रीअरेंज करना पड़ेगा, उसको जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा या मैनिपुलेट करना पड़ेगा, जैसा कि हमने यहां पर किया। अब अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, देखना है कि आप उसको मतलब कि प्रोसेस कर पाते कि नहीं। स्टार्ट तो ले लेंगे, आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन पूरा कंप्लीट एंड तक प्रोसेस कर पाते कि नहीं। तो टेक द क्वेश्चन, राइट, क्वेश्चन नंबर थ्री ये है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज पाई देन प्रूफ द फॉलोइंग, है ना, प्रूफ द फॉलोइंग। इसके तीन पार्ट में दे रहा हूं आपको, कॉस ए कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कोसाइन टू सी इज इक्वल टू माइनस वन माइनस फोर कॉस ए कॉस बी कॉस सी, एंड इसका बी पार्ट क्या है, टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी इज इक्वल टू टैन ए टैन बी टैन सी। ये तो हम लोग कई बार प्रूफ कर चुके हैं, तो बी पार्ट तो आप में से हर एक से हो जाएगा, और कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए इक्वल टू वन, ये प्रूफ करना है। चलिए तीनों पार्ट के लिए आपके पास में है चार मिनट टाइम, फोर मिनट, ठीक है, एंड प्लीज स्टिक टू द टाइम शेड्यूल। मान लो कि आपको टेस्ट कंडीशन में करना है, चार मिनट में तीनों पार्ट कर जाओ जल्दी से क्विक, जो आसान लगे उसको पहले निपटा दो, फिनिश कर दो, सो दैट यू सेव टाइम एंड टफ वाले को आराम से इत्मीनान से कर सको। कौन सा पार्ट पहले कर रहे हो, थर्ड ए और बी और सी? ए। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपने सीडी फॉर्मूला लगाया ही होगा। यस सर। लेफ्ट हैंड साइड में आपने कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी से स्टार्ट करना है, और जब भी आप स्टार्ट करो तो आरएचएस को देख लो कि आरएचएस में क्या लाना है, आपने एक माइनस वन लाना है और माइनस फोर कॉस ए कॉस बी कॉस सी। तो पहले तो यहाँ तो
सीडी फार्मूला लगेगा, लगा दिया होगा आपने तो आपका आ गया होगा टू कॉस दिस प्लस दिस बाय टू, टू बी है, टू ए प्लस टू बी बाय टू इज ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस सी होता है एंड कॉस ए माइनस बी, टू ए माइनस टू बी बाय टू ए माइनस बी और प्लस कॉस टू सी है। अब सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि ये हो गया तुम्हारा माइनस टू कॉस सी, कॉस ए माइनस बी, कैसे, बिकॉज कोसाइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ पाई माइनस सी इज इक्वल टू माइनस कॉस सी। अब यहां माइनस कॉस सी, यहां पर कॉस सी आया, कॉस सी मुझे चाहिए भी एक फैक्टर में, तो इसको मैंने ब्रेक करना पड़ेगा कॉस में, कॉस टू थीटा इज वन माइनस टू कॉस स्क्वायर, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। जब कॉस में करते हैं तो टू कॉस स्क्वायर सी माइनस वन, अगर साइन में करेंगे तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर सी, हमें साइन में नहीं ले जाना है, कॉस में रखना है। अच्छा दूसरी बात, यहाँ माइनस वन है भी, ये भी ध्यान दो, तो इससे कम से कम आपको याद आना चाहिए, माइनस वन ही आना चाहिए ना, माइनस वन भी तो लाना है आपको आर एच एस में। अब यहाँ ये दो जो हैं इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस वन माइनस टू कॉस सी कॉमन ले लो, माइनस टू कॉस सी यहाँ भी है और यहाँ से माइनस टू कॉस सी निकालेंगे तो माइनस कॉस सी आ जाएगा, तो यू विल बी लेफ्ट विद कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस सी। व्हाट इज माइनस कॉस सी, माइनस कॉस सी को आप कॉस ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, है ना, नेगेटिव ऑफ कॉस सी को सीधे पॉजिटिव, पॉजिटिव कॉस ए प्लस बी लिख सकते हो, तो कॉस ए माइनस बी हो गया बेटा और प्लस कॉस ए प्लस बी। अब आप बताओ ए प्लस बी का कोसाइन का फार्मूला और ए माइनस बी का कोसाइन का फार्मूला को जब ऐड करते हो तो क्या आता है, टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। तो फाइनल आंसर आ गया माइनस वन माइनस टू कॉस सी इन टू, टू कॉस ए कॉस बी। और या आप ये भी बोल सकते हो सी डी फॉर्मूला लगा दो, तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू से ए आ जाएगा और सी माइनस डी बाई टू या डी माइनस सी एक ही बात है कॉस के लिए, तो बी आ जाएगा एंड देयर फॉर योर आंसर इज माइनस वन माइनस फोर कॉस ए कॉस बी कॉस। ऑल क्लियर, I don't think there is any trouble. बिल्कुल smooth है. तो A part हो गया. अब B और C part तो आसान है. जल्दी finish करो. Quick. B part हम लोग class में कर चुके हैं. और B part हो जाएगा तो C भी हो जाएगा. जल्दी finish करो. B और C के लिए आपका सिर्फ 1.5 minutes है. यहां से यहां हम कैसे आए, तो उसके लिए कंपाउंड एंगल एक्सपेंशन करोगे तो भी हो जाएगा, दोनों का कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का फार्मूला या सी डी फार्मूले से भी हो जाएगा, तो सी डी फार्मूला इज बेटर, उसमें स्पेस कम कंज्यूम होगा, सीधे टू कॉस दिस एंगल प्लस दिस एंगल बाई टू कॉस दिस एंगल माइनस दिस एंगल बाई टू आंसर आ जाएगा। थर्ड बी एंड थर्ड सी, गुड, थर्ड बी हो गया सबका, तो बी हो गया तो सी तो हो ही गया बेटा, सी तो जस्ट बी से डायरेक्टली भी डेराइव हो जाता है, थर्ड बी में ए प्लस बी दिया हुआ है पाई माइनस सी, टेक टेन ऑफ बोथ साइड, आ जाएगा टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन पाई माइनस सी, तो टेन ए प्लस बी होता है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, और tan pi minus c minus tan c होता है, cross multiply and get the result,
क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू गेट द रिजल्ट, सीधे आ गया रिजल्ट। वैसे एक तरीका और भी इसको प्रूफ करने का, जरा देखो ध्यान से, अगर मैं इसी रिजल्ट को ऐसे लिखूं, tan of a plus tan of b is equal to tan a tan b tan c minus tan c, तो आप tan c कॉमन ले लो या minus tan c कॉमन ले लो, आ जाएगा 1 minus tan a tan b। to prove this, इसको प्रूफ करने के लिए ये प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना है क्या, 1 minus tan a tan b को लेफ्ट में भेजो, तो tan of a plus tan of b upon 1 minus tan a tan b is equal to minus tan c, ये आ गया tan a plus b, that is to prove that tan a plus b is minus tan c, which is true, which is true, क्योंकि a plus b is pi minus c। तो ऐसे भी आप argument कर सकते हो, a हो गया b हो गया c, किसका किसका हो गया c, बड़े साइलेंस हो गए, साइलेंस आ गई भाई, सी नहीं हुआ, सी का बी से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। कैन यू डिराइव सी फ्रॉम बी, डिवाइड बोथ साइड ऑफ बी बाय टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, तो आ जाएगा tan a अपॉन tan a tan b tan c, अगर इसको फर्स्ट में डिवाइड करोगे तो cot b cot c आ जाएगा, सेकंड में करोगे तो cot c cot a आ जाएगा, थर्ड में अगर ये राइट साइड डिवाइड होगा तो cot a cot b आ जाएगा इक्वल टू वन, तो हो गया प्रूफ। या दूसरा तरीका भी है कि a प्लस बी पाई माइनस सी है, तो cot a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस cot c, cot a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cot a cot b माइनस वन डिवाइडेड बाई cot b प्लस cot a इज इक्वल टू माइनस cot c, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रीअरेंज कर लो, यू गेट इट। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया, तो ये जो आइडेंटिटीज हैं, ये हो गया tan a tan b tan c, इस tan a plus tan b plus tan c हो गया, cot a cot b cot c cot a one भी प्रूव हो गया। अब एक ये रिजल्ट है, क्या समेशन cot a by 2, मतलब cot a by 2 plus cot b by 2 प्लस cot c बाई टू इज इक्वल टू cot a बाई टू cot b बाई टू cot c बाई टू, मतलब जो रिजल्ट आपने पिछला tan a b c के लिए प्रूफ किया, सेम tan a प्लस tan b प्लस tan c इज tan a tan b tan c, तो हाफ एंगल कर दिया तो cot के लिए वही चीज वैलिड है, cot of a बाई टू प्लस cot of b बाई टू प्लस cot of c बाई टू इज cot a बाई टू cot b बाई टू cot c बाई टू। अच्छा, जो आपने cot के लिए बोला cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a वन, तो हाफ एंगल में tan के लिए वैलिड है, मतलब हाफ एंगल कर देंगे तो cot का tan और tan का cot हो जाएगा, आइडेंटिटी वैसे ही वैलिड होगी, तो इसमें से कोई एक करोगे तो दूसरा हो जाएगा, राइट? तो फर्स्ट को ही कर दो या सेकेंड को प्रूफ कर दो, दोनों में से किसी एक को प्रूफ कर दो, तो आप क्या करेंगे, a बाई टू प्लस b बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, ये तो है ही क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी पाई दिया हुआ। अब अप्लाई टैन, टैन ऑफ ए बाई टू प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू टैन ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। अब फार्मूला बोलो टैन का क्या बनेगा, टैन ए बाई टू प्लस टैन बी बाई टू अपॉन वन माइनस टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू,
और राइट साइड में टेन नाइनटी माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट सी बाई टू होगा, बट उसको वन बाई टेन सी बाई टू लिख दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ रहा है बताते जाओ। टेन ए बाई टू इंटू टेन सी बाई टू प्लस टेन बी बाई टू इंटू टेन सी बाई टू इज इक्वल टू वन माइनस टेन ए बाई टू इंटू टेन बी बाई टू। कौन सा रिजल्ट प्रूफ हो गया? सेकेंड वाला, टेन ए बाई टू और टेन बी बाई टू के पेयर ऑफ प्रोडक्ट का सम जो है वो वन प्रूव हो गया। ये प्रूफ हो गया। अब इससे ये प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, तो आप इसी में डिवाइड कर दो, किसे डिवाइड बाय टेंजेंट ए बाई टू, टेंजेंट बी बाई टू, टेंजेंट सी बाई टू से पूरे इक्वेशन को, क्या आएगा बताओ। टेन ए बाय टू टेन सी बाई टू को जब इस पूरे से डिवाइड करो तो कॉट बी बाई प्लस कॉट ए बाई प्लस कॉट सी बाई टू, ये वाला इधर आके प्लस हो जाएगा इक्वल टू वन अपॉन टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू, क्या हो जाएगा कॉट ए बाई टू कॉट बी बाई टू इंटू कॉट सी बाई टू। तो ये रिजल्ट भी प्रूव हो जाएगा। तो ये जो छह आइडेंटिटी है, cos sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is 4 sin a sin b sin c, cos 2a plus cos 2b plus cos 2c is minus 1 minus 4 cos a cos b cos c, tan a plus tan b plus tan c is tan a tan b tan c, cot a cot b plus cot b cot c cot a 1, and half angle mein jo cot a by 2 plus cot b by 2 plus cot c by 2 is product of cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2 and half angle ke tan ke pair of product ka sum 1। तो ये छह आइडेंटिटीज बेटा आपको याद रहनी चाहिए। अगर ये याद रहेंगे तो बहुत सारे दूसरे टॉपिक्स में इसके डायरेक्ट एप्लीकेशन होंगे, जो आपको मतलब कि आपको एफर्टलेसली हो जाएंगे। तो कमिट टू मेमोरी, ठीक है जी। तो अब इस पर एक क्लास और मैं लूंगा, जिसमें आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन और थोड़ा सा एक दो और छोटा मोटा एप्लीकेशन, वो क्लास लेने की मुझे जरूरत नहीं है, वो मैं क्लास में आपके डाउट क्लास में ही करा दूंगा उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। कल और परसों में, मतलब कल के क्लास और परसों के क्लास में हमारा ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कंसेप्चुअली खत्म हो जाएगा, राइट। और क्वेश्चंस भी आपको मैंने बोला था सारे करके रखेंगे, अब तो कुछ अलग से मुझे नहीं बताना है। तो यू जस्ट वर्कआउट ऑल द प्रॉब्लम्स, टेक्सचुअल एक्सरसाइज सारी करके रखो, सो दैट कल हम लोग डिस्कस करें उसको, ठीक है। असाइनमेंट लेवल 1 और 2 भी आप कर सकते हैं, उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। गेम्स भी आप सारी कर सकते हैं, गेम 8 आज जो मैंने कराया ना, इस पर आप गेम 8 के सवाल कर सकते हैं। तो कल की क्लास में वो डिस्कस होगा। क्या क्या डिस्कस होगा कल की क्लास में? गेम, आई थिंक गेम 7 एंड 8 करके रखना। अभी डिस्कस 6 नहीं हुई तो 6 भी लिख लो बेटा, गेम 6 7 8, ओके। और प्लस जो है टेक्सचुअल एक्सरसाइज में आप कहाँ तक हुआ था, 4 तक हुआ था कि 5 तक? 4 तक, 4 तक, T5 एंड T6 कल की क्लास का ये है टारगेट। आप अच्छे से करके रखो, और अगर आप क्वेश्चन का जितने भी आपके डाउट है, जो क्वेश्चन नहीं हुए वो पहले से पोस्ट कर दोगे तो क्लास का टाइम बचेगा। तो आप जो है जितने भी डाउट हो, जो जो क्वेश्चन नंबर, असाइनमेंट नंबर, क्वेश्चन नंबर, आप जो है ग्रुप पे पोस्ट कर दो। सर कल तो ऑफलाइन है क्लास। हाँ हाँ ऑफलाइन है, तो भी तो बोला है पोस्ट करके रखो ना। तो जो क्लास में हम आपसे बार बार पूछते हैं ना, वो पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट हम उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन डिस्कस करते चले जाएंगे। ओके सर, ठीक है। ओके बेटा, सो टेक केयर, गुड इवनिंग। ओके, और मैंने बोला था जहां तक करके लाने के लिए, सब करके लाएंगे कल, मैं देखूंगा।